अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी लोग अभी फिलहाल कोविड-19 के टाइम पे ट्रेवल करते हैं, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो, किधर भी हो, कोई भी कंट्री हो, तो उनको साथ में आप सभी को पता है कि कोविड-19 का PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर जिसके पास नहीं होता है तो वो फ्लाइट में फ्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई और दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते हैं, चाहे वो फ्लाई दुबई हो, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, या फिर और कोई स्पाइसजेट और कोई एयरलाइंस हो। लेकिन अब बात निकल के ये आ रही है कि जो भी लोग दुबई या फिर शारजा से जाते हैं इंडिया, UAE में स्टेट है दुबई और शारजा, वहां से जो भी लोग इंडिया जाते हैं, तो एयर इंडिया की तरफ से न्यूज निकल के ये आ रही है कि अब उनको एयर इंडिया की तरफ से कोई फोर्स करके मैंडेटरी PCR टेस्ट नहीं होगा। यानी अब आप अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ या फिर एयर इंडिया के साथ ट्रेवल करते हैं इंडिया, दुबई और शारजा से इंडिया जाने के लिए कोई भी डेस्टिनेशन हो, इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट हो, तो आपको PCR का टेस्ट जरूरी नहीं है। आप बिना PCR का आप जा सकते हैं, बिना PCR कोविड-19 का टेस्ट जो होता है उसके बिना आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान में आपको यह बात ये रखनी है कि आप जो भी डेस्टिनेशन जा रहे हैं, अपने जो भी स्टेट में जा रहे हैं, वहां की सरकार की वेबसाइट पे चेक करना है, वहां की सरकार को देखना है। अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी क्या है उस स्टेट में एंट्री करने के लिए बाहर से किसी भी आदमी को कि कोविड-19 का PCR टेस्ट चाहिए, तो आपको कोविड-19 का PCR टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है तो आपको लेना पड़ेगा, वरना अगर आप एयर इंडिया में जाते हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। बात निकल के ये आ रही है कि अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है तो ही आपको लेना है PCR के टेस्ट। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट ने विदाउट PCR टेस्ट का एंट्री करना जो है कि अलाउ किया है, तो आप जा सकते हैं बिना PCR टेस्ट के।